में जो है मिसिंग का फॉल्ट है और ये बाइक कितने किलोमीटर चली है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये 10,586 किलोमीटर बाइक चली हुई है और ये बाइक जो है सेल्फ से भी स्टार्ट होती है, किक से भी स्टार्ट होती है। हम रेस देते हैं तो गाड़ी क्या होती है, दबती है, यानी कि जैसे कि बंद होने लगती है। देखिए जैसे गाड़ी का रेस देंगे तो उस समय क्या होती है, गाड़ी बंद हो जाती है। प्लग कैप वगैरह प्लग पूरा ठीक है क्योंकि गाड़ी मात्र 10,000 किलोमीटर अभी चली हुई है। कार्बेटर ओपन करते हैं, ये रहा कार्बेटर, इसको खोलेंगे। यहाँ अच्छे तरीके से इसे क्लीन कर दिया और इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो छोटा जेड में होता है, कई बार बड़ा जेड में भी होता है। अब यहाँ पर देखिए ये छोटा वाला जो है जेड, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर कचरा आ जाता है इसके अंदर, तो मैंने इसको बिल्कुल एयर से क्लीन कर लिया और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो गई। क्योंकि आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर एक सुराख इसके अंदर से नजर आएगी, तो ये क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दिया पेट्रोल के मदद से। अब लगाते हैं, जब इसको लगाएंगे स्लाइड को तो स्लाइड किस तरीके से लगाना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। इस साइड देखिए ये कटा हुआ है और इस साइड जो है सिंपल छोटा सा कट है, तो छोटा वाला कट जो होता है हमारा जहाँ से हम रेस को बढ़ाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ एक जो है ये माइलेज के लिए और ये जो है रेस के लिए आरपीएम के लिए, तो ये जो है इस तरफ लगेगी ये छोटा वाला कट, बड़ा वाला कट नहीं लगाना, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये छोटा वाला कट इस साइड रहेगा जिस साइड से हम आरपीएम को घटाते बढ़ाते हैं, तो इस तरीके से सिंपली इसको डाल देना है। अब इसको जो हम लगाएंगे फ्लंचर रबड़ को, तो इसके अंदर यहाँ पर टी लिखी हुई होती है, ये टी आगे की ओर जाएगी, इसे इस तरीके से नीचे नहीं रखना है, ये टी ऊपर रहेगी और ये रबड़ साइड आगे रहेगा, तो इस तरीके से इसको लगाना है। और ये 8 का बोल्ट 2 होता है, दोनों को टाइट कर देना है। इस वाले को जो है यहाँ पर जो रबड़ रहता है यहाँ पर इसको लगाना पाइप को जरूरी है, अगर इस पाइप को नहीं लगाते हैं तो काफी ज्यादा यहाँ पर क्या है धूल मिट्टी जमी हुई रहती है, तो ये पाइप लगाना जरूरी है जिसके कारण यहाँ पर जो है गंदगी नहीं आने देता है, तो इसको इस तरीके से लगा देना है। तो अब हम बाइक को करते हैं सिंपली स्टार्ट, अब देखते हैं मिसिंग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं। चलिए बाइक को कर लेते हैं एक बार स्टार्ट। माइलेज के लिए होता है, इसको टाइट करना है धीरे धीरे। जैसे कि सबसे ज्यादा जहां पर आरपीएम बढ़ गई वहीं पर आपको छोड़ना है, उसके बाद इसको जो है रेस को कम कर देना है। गाड़ी बंद ना हो इतना तक आपको छोड़ देना है। अब मैं आपको रेस लेकर दिखाता हूं।
अब जो है बाइक बिल्कुल भी मिसिंग नहीं करेगी और ना ही कोई तरह का दिक्कत रहा। पहले यहाँ से क्या था, रेस लेते गाड़ी बंद होती थी, अब जो है बिल्कुल भी नहीं हो रही। इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, तो चलिए फटाफट टूल बॉक्स वगैरह लगा देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।